खबर रीवा से है। दिव्यांग बच्चों के साथ अमानवीयता का वीडियो प्रकाश में आया है। विद्यालय में नेत्रहीन बच्चों को 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया। बच्चों ने बताया कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है और कहा जाता है कि तुम लोग सामान बेचते हो। छात्रों ने कहा कि जब उनके द्वारा कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरा चेक करें तो टीचर इनकार कर देते हैं। शिकायत करने पर उन्हें धमकियां दी जाती हैं और चरित्र प्रमाण पत्र में लाल स्याही से लिख दिया जाएगा, ऐसा उनको धमकी भी मिलती है। स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। आइए सुनते हैं विद्यालय के छात्रों का क्या कहना है। प्रिंस कुमार साकेत, मैं कक्षा 11 पढ़ता हूँ जी। जी, मेरे स्कूल में जो कुछ है, जो चोरी होती है लड़कों द्वारा, लड़के आपस में चोरी कर लेते हैं, जैसे दिखने वाले जो लड़के होते हैं एक दो, अगर उनकी चोरी, उनकी शिकायत जो है स्टाफ के पक्ष से की जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उनके उनकी ओर से हम लोग को भी उल्टा टीसी देने और विद्यालय से निष्कर्षित करने का, वो लोग कहते हैं तुम लोग विद्यालय से तुम लोग को निष्कर्षित करने। हमारा नाम राजेश साहू, जो हमारे विद्यालय का शंकर सर हैं, तो बोलते हैं कि हम तुमको टीसी दे देंगे, लाल स्याही लगाने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि जो तुम हमारा करना हो तो कर लो। और हम लोगों को 16 तारीख को खाना नहीं दिए थे, सुबह नहीं, चार भी नहीं दिए थे। 16/3/2022 को, इसी 16 को, 16 मार्च को जी, हम लोग को सुबह से जी 3 बजे तक चाय भी नहीं दी गई। तो फिर आपने किससे शिकायत की जाती है? सर, हमने अनिल दुबे सर के पास और कई बड़े अधिकारियों के पास हमने शिकायत की, हम लोग कभी भूखे थे। तो और किसके पास गए शिकायत में? कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से खाना मिला आपको, कैसे मिला? सर, फिर जेडी सर से हम लोगों ने शिकायत किया और कुछ अधिकारियों के पास से हमने शिकायत किया और सभी सर के पास और सब अधिकारियों के पास, जी सर, तो कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन सबसे पहले किसके पास किए थे आप? पहले सचिव के पास जी, डॉक्टर राम विलास वगैरह सचिव जी। तो फिर खाना मिला उस दिन? जी, मिला है 2-3 बजे, बस 3-3:30 के आसपास हम लोग को खाना मिला था, जब हम लोग ने सर जेडी सर के पास हम लोग ने बता दिया था। चलिए और आगे। हाँ सर, इससे पहले जो 14/3/2022 को हमारे हाँ। जो यही साथी खड़े हैं हाँ। इन्होंने से किसी दो तीन साथी ने पूछ कहा था संकट सर से जी कि सर, हम लोग घर जाना चाहे थे, घर जाए कि उन्होंने कहा था ठीक है, अगर आप जा सकते जाना चाहते ठीक है, नहीं तो इस बार होली के त्यौहार जो है इसी बना सकते, यही बना सकते जी। हमारे ये सब साथी जो थे तो रुक गए थे, क्योंकि सबके पास समस्या थी, रुक गए थे। ये 16/3/2022 को हाँ। उस लड़के को जो हमारे यहाँ पे संपत्ति पंचालाल प्रजापति जी यहाँ पे उपस्थित होंगे, उस लड़के को चोरी करते वक्त देख लिया गया, बस उसको ये पंचालाल जी राजेश जी ने एक झपड़ मार दिया और बोला कि जो कुछ सामान लिए हो प्रेम पूर्वक वापस कर, तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तो उसने कहा कि तुमको, तुम्हें जो कुछ करना कर लो, हम सामान नहीं देंगे। और बोलती है 2 रुपए की चीज़ के लिए तुम बताओ शिकायत करते हो, व्हाट्सएप मोबाइल चुरा लिया था, तो बताइए सर 2 रुपए की चीज़ है, 3000 का चीज़, 4000 का। सर, इससे पहले हो और लड़का करीब 4 से 5 बार चोरी किया, जब तक मोबाइल की चोरी की।